ये पूरे खबरों के ऊपर कांड दिए। मैं यही डिप्टी को बोली, जूनल को बोली, आज जो है तो हमारे इतने बड़े फाते आए, देखे तो पूरा एरिया रोक दिया था। तालाब पट्टे के अंदर ये फतेहशाह मस्जिद का कब्रस्तान है, ये कब्रस्तान में झाड़ियाँ डाल के पूरा सतरोल कर दी। बोले तो अरे लेबर नहीं है तो हमारी ईद है इतनी बड़ी। कल मैं जूनल कमिश्नर को बोली, जिया साहब को भी बोली, पलट के डिप्टी को यही को बोली, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। दुनिया की कांटी है, हम लोग आज जो है सो काम कराने के लिए आए तो यहाँ पर काम करने वाले नहीं है। जो गुत्तेदार काम लिया, मैं 8 दिन से बोल रही हूँ उसको कि काम करो बोले तो ये सर की लापरवाही से आज ये तरीका होगा कि हर खबर के ऊपर कांटी डाल दिए झाड़न पूरी जो है सो। अब हम लोग आए यहाँ धरना देने के आते बैठे, डिप्टी को भी बुलाई, यही को भी बुलाई, इंशाल्लाह ये काम आज करा के आज की तारीख में जाऊंगी। ये मोइन भाई के एरिया में आता है कब्रस्तान, फतेहशाह वली का दरगाह के बाद ये फतेहशाह का कब्रस्तान बोलते हैं। तकरीबन जो है सो ये 8 दिन से बोल रही मैं इसको के ये काम में लापरवाही नको करो, बोली समझ में नहीं आया। आज ये तो बता रहे पूरे एरिया के अंदर काम करने के लिए परेशान ना, डिप्टी सुन रहा ना, यही सुन रहा ना, तो जो है गुत्तेदार कर रहा, ये गुत्तेदार के जैसे लापरवाही से कम 8 दिन पहले काम होने का, 8 दिन से मैं बोम मारने के नतीजे पे आज जो है सो काम करे तो कल कांटी काट के रहा, कांटी नहीं उठाए। कब्रस्तान में पूरी कांटी भरी हुई, कल देखे तो ईद है, आज लोग हम फातिहा देने दरकार यहाँ पर आते, चुन्ना डालो बोले तो वो चंबू से चुन्ना मार दिया चलेगा। इतना बड़ा जो है इंस्ट्रूमेंट बना के दिए, हम बोले चलो पूरा काम होना हो गए, 90,000 का इंस्ट्रूमेंट बना के दिए, बाद में ये नतीजा होगा क्या। कब्रस्तान अभी तक साफ नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, ये फतेहशाह नगर का कब्रस्तान है, ये फतेहशाह नगर के कब्रस्तान में आप देख सकते हैं। सुबह में जो हमारे घर नहीं है, मैं सुबह 10 बजे आके यहाँ पर देखी हूँ, एक चीज़ भी जो है सो काम नहीं करे, जो कांटी काटे वो लोग यहाँ फेंक दे के चले गए। मैं डिप्टी को, एई को और जूनल कमिश्नर को बोली, जूनल कमिश्नर को बोले तो डिप्टी को बोलो बोरे, डिप्टी को बोले तो एई को बोलो बोरे। तकरीबन ये 12 बजे तक पूरा जो है सो वैसी था, अभी 12 बजे के बाद भी मैं फोन करी तो लोग रिस्पॉन्स नहीं दिए। अभी तक कब्रस्तान के अंदर अगर दोपहर, अभी हमारा इतना बड़ा फेस्टिवल है जैसा कि शाबान की ईद है, हर कोई आता है अपने अपने लोगों की खबर पे फूल चढ़ाने के लिए, पूरा सतरोल करके रख दिए। जो काम लिया वो कंडक्टर जैसे बस खाली आ रहा हूँ बोल के, ये टाइम हो गया 12 से 1 बजने आ गया, कोई आके रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हम लोगों को। अभी ये 5 बज रहे, अभी 5 बजे तक भी हमारे कब्रस्तान में कोई सफाई नहीं हुई, साफ सफाई अभी बोले तो हो कराते वो रहे। मैं आप लोगों के टीवी के चैनल के जरिए से ये बोलना चाह रही हूँ, जूनल साहब भी रिस्पॉन्स देंगे, बोलते जूनल साहब भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, बराए मेहरबानी हमारा ये काम जल्द से जल्द करा के दीजिए, क्योंकि हमको भी लोगों को जवाब देना पड़ता, हमको खुद एक शर्मिंदगी महसूस हो रही कि कब्रस्तान में ठहरे हुए हैं, हमारे कब्रस्तान में कोई झाड़ू नहीं, यहाँ पर जैसे कोई कांटी जैसी की वैसी पड़ी हुई है, चूना नहीं डाले, कुछ भी नहीं डाले, जबकि 90,000 रुपये का ये टेंडर है तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अभी बोले तो यही हो काम शुरू करते बोल रहे, अभी तक तो कुछ काम स्टार्ट नहीं हुआ।